ग्राम स्वराज मंच एकल अभियान द्वारा विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में युवा दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान शोभा यात्रा पुराने बस अड्डे से नए बस अड्डे तक निकाली गई, जिसमें 5 पंचायतों के लोगों ने तथा 300 युवाओं ने भाग लिया। ग्राम स्वराज मंच एकल अभियान द्वारा विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में युवा दिवस बड़े उत्साह से मनाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान शोभा यात्रा पुराने बस अड्डे से नए बस अड्डे तक निकाली गई, जिसमें 5 पंचायतों के लोगों ने तथा 300 युवाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि कतावर सिंह ने किया। युवाओं को NRC के बारे में जानकारी दी। इसी कार्यक्रम के मुख्य वक्ता चंद प्रकाश संगठन में प्रांत सहकार्य बाजी ने स्वामी विवेकानंद की जीवनी के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम में संवाहक गतिविधि प्रमुख विपिन सिपाहिया ने एकल के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस कार्यक्रम में आंचल समिति अध्यक्ष बग्गाराम ने सभी बुद्धिजीवियों का धन्यवाद किया। इस कार्यक्रम में पुनीत चुन्नीलाल, संजीव राजीव, रामवीर वंदना कुमारी, जसवंत सिंह, सरोज कुमारी, सोमनाथ, विक्रम सिंह, राजेश कुमारी, मनु कुमारी, रीना रानी, श्याम सिंह, शांति देवी, जसवीर कौर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। युवा दिवस के ऊपर एक भव्य कार्यक्रम किया। मुझे लगता है कि विवेकानंद जी के जो आदर्श थे, जो उन्होंने काम अपने पीछे छोड़ा हुआ था, जो उन्होंने कहा था कि दरिद्र नारायण होता है, अनपढ़ नारायण होता है, मूर्ख नारायण होता है, और हमें उन सब की सेवा करनी है। तो मुझे लगता है कि एकल विद्यालय अपने काम से गांव-गांव जाकर विद्या की अलख जगा रहा है, शिक्षा की अलख जगा रहा है। केवल शिक्षा ही नहीं दे रहा, तो साथ में संस्कार भी दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस प्रकार से अगर हम आगे चलेंगे तो उनके सपना का जो भारत है वो जल्द ही साकार होगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। कल लोहड़ी है और परसों मकर संक्रांति है। मुझे लगता है मकर संक्रांति का भी संदेश अपने आप में है कि बुराइयों के ऊपर अच्छाई का एक संक्रमण हो। आज भारत ऊपर उठ रहा है, जिस प्रकार का नेतृत्व है, जिस प्रकार का आज यश भारत का आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि भारत अपने संस्कृति के आधार के ऊपर, अपने धर्म के आधार के ऊपर विश्व में जो तिमिर, जो अशांति है, उसका जो है संक्रमण करके एक शांति स्थापित करेगा।